इनका जो कैंपस है, मैं काफी बार गया हूँ वहाँ, ऐसा माहौल है, बच्चे महसूस करते हैं कि मैं मेरे घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ। फास्ट रिजल्ट चाहिए जो सीएलसी में मिला, आज तक किसी संस्था में नहीं मिला। बॉस जड़ी बूटी है सिलेक्शन के लिए। आप जिस चीज को सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उस चीज को हमारे को सीएलसी ने, श्रवण जी बोस साहब ने आज हकीकत में तब्दील करके दिखाया। स्थिति ये थी कि हमारे आसपास के 50 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उस सिंगोड़िया में डॉक्टर बनने की शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई उसमें भाई श्रवण जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। नमस्कार दोस्तों, राम राम, आपका अपना श्रवण। आज मैं जयपुर के पास, जयपुर रेनवाल किशनगढ़ एक जगह है जो अपने जिसको बोलते हैं अपन, वहाँ के पास एक छोटा सा मुंडियागढ़ गांव है, और यहाँ मेरे बीच करीब 7 से 8 बच्चे या उनके गार्जियन बैठे हैं जो मेडिकोज हैं। 8 से 10 वो गार्जियन हैं जिनके बच्चे सीएलसी पढ़ रहे हैं। अनु अग्रवाल, आप लेडी हार्डिंग में हैं, सीएलसी आए, आपका स्कोर था 558, और 558 को बढ़ा के आपने स्कोर किया 667, 111 नंबर बढ़ा के आज आप लेडी हार्डिंग में हैं। उसके बाद अशोक बावरिया हमारे बीच, जिसके घर में बैठे हम लोग, अशोक जो जिस घर में बैठे हैं, आपके गांव है मुंडियागढ़ किशनगढ़ रेनवाल के पास है, आप सीएलसी आए, 11वीं 12वीं आपने वहाँ से केवीएम से किया। अशोक आया, एक लड़का हमारा आर्यन यादव है जो मोरन आजाद में है, वो आज नहीं आ पाया, वो दिल्ली चला गया था, और सुरेंद्र बुडक। तो तीनों बच्चे 10th पास करते हैं, 10th पास करके सीएलसी आते हैं, और ये तीनों बच्चे प्लस अनु, चारों आप हॉस्टल में रहे, चारों बच्चे हॉस्टल में रह के आप सिलेक्ट हुए। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ, जैसे कई बार लोग कहते हैं कोटा और सीकर में श्रवण जी क्या फ़र्क है, तो बड़ा फर्क है। कोटा में आप सिलेक्ट वहाँ भी होते, मैंने कहता सिलेक्ट वहाँ भी होते हैं, सिलेक्ट हमारे यहाँ भी होते हैं, वहाँ सिलेक्ट होता तो मम्मी को दादी को साथ रहना पड़ता किसी को, या तो सीएलसी मम्मी है, वही दादी है, वही टीचर है, वही मेंटर है, वही टीवी है, वही अखबार है, सब कुछ सीएलसी है। सबसे पहले मैं श्रवण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये किशनगढ़ रेनवाल ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो भी बच्चों को मैं गाइडलाइन करके आपके पास भेजा, मेरे ख्याल में 99% आपने रिजल्ट दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे यहाँ 10th से जो भी बच्चे गए वो श्रवण जी का सीनियर पास होने के बाद में ये जब भी जवाब आया कि उसका सिलेक्शन हो गया, मुझे भी खुशी हुई और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट्स मिला। श्रवण जी के पास जिसको भी भेजा उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला, क्योंकि श्रवण जी का जो वहाँ का एटमोसफियर है, बच्चों के साथ जो उनका जुड़ाव है, वो वैसा मेरे ख्याल में राजस्थान में तो कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता, जो प्रत्येक बच्चे को, केवल बच्चे को नहीं उसके परिवार के सदस्य तक जानते हैं। आज नहीं 10 साल पहले सिलेक्शन हुआ, उसको भी इनके जहन में याद है कि अमुक बच्चा उस एरिया का है। जब भी बच्चे की बात आती है मेरे पास टेलीफोन करके कहते हैं कि आपके रेनवाल परिक्षेत्र का ये बच्चा आया है, इसका सिलेक्शन मैं 100% दूंगा। इससे ज़्यादा केयर करने वाली इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आपको नहीं मिल सकती। सबसे पहले हमने, जब हम पढ़ते थे तब स्थिति ये थी कि हमारे आसपास के 50 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, और बाद में उसके बाद में जब हम जयपुर पढ़ करके बीएससी एमएससी तक आए, तो हिंगोड़िया हमारे पास में 6 किलोमीटर दूर गाँव है, उस हिंगोड़िया में डॉक्टर बनने की शुरुआत हुई, और वो जो शुरुआत हुई उसमें भाई श्रवण जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आम आदमी जो किसान वर्ग के बच्चे हैं वो सहज ही जो कोटा और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट जिनका नाम चल रहा था, जहाँ पैसे जमा होते थे सिर्फ, और बच्चे लास्ट में स्थितियाँ ये रही है कि वो बच्चे डिप्रेशन और टेंशन से बहुत सारी ट्रेजडियों के शिकार होकर के गाँव में आते थे, तो एक गाँव में इस तरह का भय का वातावरण था कि ऐसे माहौल में अगर अपन बच्चों को डालेंगे तो क्या पता मेरे बच्चे के साथ ऐसी स्थितियाँ हो जाए। भाई श्रवण जी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस चीज़ का दूंगा कि इनका जो कैंपस है, मैं काफ़ी बार गया हूँ वहाँ, ऐसा माहौल है, बच्चे महसूस करते हैं कि मैं मेरे घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ। शाम के टाइम में जैसे आरतियाँ होना, रामायण के पाठ होना, वहाँ जो गायत्री के पाठ होना, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को आध्यात्मिकता प्लस उनको मानसिक रूप से मजबूत करती है। तो अक्सर गार्जियंस क्या करते हैं कि संस्था प्रधान के ऊपर थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ करते हैं, और वो हमारे को पूछते हैं कि बताओ साहब अच्छी संस्था कौन सी है, हम हमारे बच्चे को वहाँ पर डालेंगे। रियलिटी तो ये है कि मेरे सीकर की भी हर संस्थाओं के अंदर विजिट कर रखा है मैंने, कोटा की में भी कर रखा है, तो जयपुर में भी कर रखा है, फिर मैं एक एक लड़के तो भेजे मैंने, लेकिन जब उनका अंतिम परिणाम मैंने देखा 12th के बाद का सिलेक्शन का जो परिणाम देखा, वो दूसरी संस्थाओं के बारे में बता रहा हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। और कुछ बच्चे हमारे सीएलसी में भी गए थे, सीकर सीएलसी की बात कर रहा हूँ,
सीकर सीएलसी में भी बच्चे गए थे, मतलब जितना अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए जो सीएलसी में मिला आज तक किसी संस्था में नहीं मिला। यानी मैंने अक्सर देखा है दूसरी संस्थाओं के अंदर कि 3-4 साल लग जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं आता, लास्ट में लड़के क्या करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए वो लड़के वहां पर पहुंचे थे वो मुकाम नहीं पहुंचा। एक बेटी हमारी आपके सामने बैठी है अनु, भाई साहब ने पूछा कि साहब आप बताओ बेस्ट संस्था कौन सी होगी, मैंने कहा सिलेक्शन, सिलेक्शन का पर्याय है सीएलसी, आईआईटी और नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए फास्ट सिलेक्शन चाहिए सोचो ही मत सीएलसी। हम 11th में गए थे यहाँ से सभी के सभी, मैं आर्यन सुरेंद्र चौधरी हॉस्टल में रहे, बोस के द्वारा हम वहाँ रखे गए थे। फिर जब हमारा 11th परफॉर्मेंस एकदम पीक पे था तो बोस ने हमें सबसे पहले, हम तीन रहते थे वहाँ जब स्टार्टिंग बी बिल्डिंग गर्ल्स से बॉयज किया गया था, हम तीन ही रहते थे वहाँ, सुरेंद्र बुल्लक और आर्यन, तो वहीं हम सबसे पहले गए थे। और वहाँ ऐसा है कि मतलब बोस की जब गाड़ी कर हमारा बी बिल्डिंग हॉस्टल और बोस के पास पास में, तो बोस जब गाड़ी खड़ी रहती थी ना पास, हमें डर लगता था बोस कभी आ सकते हैं, और हमेशा आते थे बोस बहुत राउंड लिए बिल्डिंग के अंदर, हमें डर लगता था बोस आ जाए, पढ़ना पड़ेगा खूब पढ़ाई की हमने। तो फर्स्ट टारगेट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 567 मार्क्स थे, तब हम सोच रहे थे कि मैनेजमेंट ले लिया अभी फॉरन वाले निकल जाए, तो बोस ने बोला कि आप मेरे पास है मीटिंग करते हैं फिर आप डिसाइड करेंगे कर लेंगे हम। तो हम जिस दिन मीटिंग करने गए ना उसी दिन हम एडमिशन करवा के आ गए थे बोस, बोस इतने इंप्रेस हुए, हम 3 साल कंटिन्यूस इंप्रेस होते रहे, और बोस पापा से कनेक्ट में रहे, मेरे से कनेक्ट में रहे, मतलब बोस जड़ी बूटी है आप सिलेक्शन के लिए। आप मतलब मेरे रिलेटिव हैं मारोट नावा के, मारोट के बीजापुरा गांव के, मतलब एक साधारण सा किसान परिवार, सिर्फ किसानी के अलावा उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था, आज मतलब एक समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर सिंह बाजिया 97 में जुड़े, सेलेक्ट हुए बीकानेर से, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की, उसके बाद में छोटा भाई सोन लाल बाजिया 2000 में उन्होंने तंजावर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु से उन्होंने MBBS की, उसके बाद में उनका छोटा भाई प्रहलाद बाजिया उन्होंने भी तंजावर से ही CPMT के अंदर तंजावर से उन्होंने MBBS किया, मतलब एक भेड़ बकरी चराने वाले परिवार का आपने सहयोग किया श्रवण जी ने, उनकी क्षमता नहीं थी, आपके सहयोग की वजह से आज वो सम्मानजनक जीवन पर, मतलब एक स्पेशल सम्मानजनक जीवन आज उनके पास, डीडवाना में उनका अपना हॉस्पिटल है बाजिया हॉस्पिटल के नाम से, खुद का हॉस्पिटल है, बहुत शानदार हॉस्पिटल है। प्रहलाद सिंह वो सोन जी ईश्वर जी बाजिया ऑर्थोपेडिशियन है, सोन जी बाजिया पीडियाट्रिशियन है, प्रहलाद बाजिया सर्जन है कुचामण में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद में मतलब 20 साल पहले का जो विश्वास था उसको कायम रखा CLC ने। हम गए 2018 में, हमारी बच्ची किरण सेलेक्ट हुई, आज SMS में है। हम यहाँ जयपुर ज़िले के मुंडियागढ़ गांव से किसान खेती करने वाले आदिम परिवार के मेंबर है, हमारे पास कृषि के सिवा कोई धंधा नहीं है, कृषि हमारा पैसा है, और हम जिस चीज़ को सपने में भी नहीं सोच सकते थे उस चीज़ को हमारे को CLC ने श्रवण जी बोस साहब ने आज अखीगत में तब्दील करके दिखाया, जो ये आपका बेटा अशोक बेटा है जयपुर आए थे कॉलेज के लिए, मुझे राउंड में टॉप नंबरों से ही आया है, तो मेरा कहना सभी से यही है कि CLC के मुकाबले जो वहाँ की मॉनिटरिंग है, मैंने यही अनुभव किया वहाँ पे जाके कि जो मॉनिटरिंग है ना उसके मुकाबले कोई कोचिंग की मॉनिटरिंग नहीं मिलेगी। रात को 12 बजे जाएंगे तो ये खड़े मिलेंगे, सुबह 4 बजे 6 बजे जाएंगे तो खड़े मिलेंगे, दिन में जाएंगे ऑफिस में खड़े मिलेंगे। मैं अशोक को पूछता था यार बॉस सोता कब है, मैंने चला के पूछा इसको बॉस सोता कब है, बोला पापा हमारे को भी पता नहीं, रात को उठते हैं मतलब कैंपस से बाहर आते हैं तो एकदम गेट पर मिलते हैं, सुबह कैंपस में आते हैं तो एकदम रेडी ऑफिस में मिलते हैं, अब ये हमारे को पता नहीं कब सोते हैं। तो इतना बढ़िया क्लाइमेट, इतना बढ़िया अच्छा काम, इतना बड़ी शिक्षा, मेरे को शुरुआत में जब गया था तो मेरे को एक बात बोली थी, बोला भाई बोमारा तेरे बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगा, डॉक्टर बने या नहीं बने तेरा बच्चा यहाँ से इतनी सुधर के जाएगा और बिल्कुल इंसान बना के भेजे और डॉक्टर भी बना के भेजे, ये हकीकत की चीज़ आपके सामने है सब भाई परिवार लोगों के सामने। तो CLC में वो चीज़ है, वो काबिलियत है, हम जब शुरू में गए कई कोचिंग सेंटरों में भी किए, मैंने वहाँ 10-20 स्टूडेंटों से बात की,
किसी के 90% ट्वेल्थ में, किसी के 88% ट्वेल्थ में, किसी के 95% ट्वेल्थ में और कोचिंगों के बच्चे। जब सीएलसी में आके मैंने पूछा तो कोई 80% वाला, कोई 75% वाला, कोई 78% वाला। उन बच्चों को ये बराबर मतलब रिजल्ट देते हैं और डॉक्टर बना के भेजते हैं। मैं तो इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं समझता। 90% वाला, 95% वाला तो डॉक्टर बनना ही है, वो तो नज़दीकी में है। जो 70% वाले बच्चे को डॉक्टर बना उसकी काबिलियत को मैं मानता हूँ हमेशा। तो मेरा कहना सभी से यही है, ग्रामीण एरिया से जुड़ने वाले आदमी श्रवण जी बहुत अच्छे इंसान है। गरीब परिवारों के बच्चे भी हमने बहुत भेजे हैं, उनको दिल से लगाते हैं, छाती के लगाते हैं, कम पैसे में उनको कोचिंग की पूरी व्यवस्था देते हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि जिन बच्चों की कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो बच्चे MBBS में उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी परसेंटेज दे के कोई उसको रस्ते में चलते डिमोरलाइज कर दे, नहीं नहीं भैया तेरा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे, मेरे पड़ोस का बच्चा हिंदी मीडियम का और पड़ोस की स्कूल में पढ़ा हुआ, और मात्र 60% का बच्चा मेघराज कुड़ी जो बिके सब जिले में था, दूसरे चांस, दूसरे मतलब मात्र SMS, अभी SMS में फाइनल ईयर। आपने जो माहौल देखे, जो वातावरण देखे, और जो बच्चों में भय, प्यार, स्नेह, वो सारी चीजें देखे, और जो बच्चों को जो अपनापन वगैरह, जो उत्साहवर्धन जो आपके द्वारा जो किया जाता है, 60% वाला बच्चा MBBS कर रहा है। मैंने राजस्थान पुलिस में सर्विस की, तो सीकर जिले में करीब 13-14 साल नौकरी की। सरवण जी से भी 2-4 बार मुलाकात हुई, इनकी CLC के एजुकेशन सेंटर के बारे में भी सुनते थे। हमने भी 5-7 आदमी को एडवाइस किया कि आप लोगों को CLC के कोचिंग में भेजना चाहिए, क्योंकि कोटा में जो कोचिंग सेंटर्स थे उनमें ज़्यादातर बात यह आती थी कि वहाँ पैसा लेते हैं, उसके बाद भी बच्चों पर इतना प्रेशर रहता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और काफ़ी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सरवण जी के CLC के कोचिंग सेंटर में कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, हमेशा घर जैसा माहौल मिला। और हमने 14 साल की नौकरी सीकर में की, उसके बाद झुंझुनू में की, तो हमेशा इनकी कोचिंग सेंटर की बढ़िया बात सुनी। सबसे बढ़िया बात ये लगी कि सरवण जी हर आदमी से गांव की तरह बात करते हैं, गांव की तरह समझाते हैं, गांव की तरह मदद करते हैं। कमती पैसे वाला आदमी भी गया तो उस बच्चे को भी इन्होंने पढ़ा के आगे बढ़ने की कोशिश की है।